आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट तो चुनावी भी नहीं निकला। उन्होंने इस बजट को सभी वर्गों के साथ धोखा बताया और अपने चिर परिचित अंदाज में जमकर व्यंग कसे। कानपुर में मेट्रो बनेगी, काम रोक करके दोबारा शिलान्यास करेंगे। आगरा में वही योजना जो समाजवादी वही शुरू करने जा रहे हैं। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, ये पता नहीं कब बनेंगी, लेकिन हमें इंतजार होगा कि गोरखपुर में कब मेट्रो बने। कोई नया सैनिक स्कूल नहीं, और सोचिए राजकीय इंटर कॉलेज बालक और बालिकाओं के लिए केवल 10 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं। मेक इन इंडिया कैसे होगी जब बजट ही नहीं हो उसके लिए कुछ। इसलिए मैं आखिरी में कहूंगा कि ये बजट धोखा देने वाला निकला। किसान, बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसी के हित में ये नहीं है। न शिक्षा है इस बजट में, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ है, न ही स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है, और न ही किसी की सुरक्षा के लिए इस बजट में कुछ है। संभल के थाना असमौली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लूट की झूठी कहानी रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल आरोपी ने फोन करके पुलिस को बताया कि उसके साथ 2.5 लाख की लूट हो गई, लेकिन पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने सब कुछ उगल दिया। सत्यपाल ने बताया कि मालिक को वसूली का पैसा वापस देना था, लिहाजा उसने लूट की झूठी कहानी बनाई। हरदोई में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अहिरौरी विकास खंड में अर्धनंग होकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के लोग कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है, लिहाजा अब अर्धनंग होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। विकास खंड अहिरौरी पर पिछले 1 माह से लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसानों की जायज समस्याएं आवास, विकास, नाली, खड़ंजा, राशन, पेंशन जैसी समस्याओं का निराकरण अभी तक जिम्मेदारों के द्वारा नहीं कराया गया है। आज से किसानों ने मजबूर होकर, अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभी तक किसी प्रकार का भी कोई जिम्मेदार अधिकारी किसानों से किसी प्रकार की वार्ता करने नहीं पहुँचा है। लगातार किसानों की तबीयत बिगड़ रही है, खाने को राशन नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा नहीं कराई गई है, जिससे नाराज होकर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, मुझे मजबूर होकर ब्लॉक परिसर में अपने जानवरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फतेहपुर में पुलिस व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला सुल्तानपुर घोष थाने का है, जहां 2 सराफा व्यापारियों को 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 लुटेरों ने दिन दहाड़े अपना शिकार बनाया। लुटेरों ने व्यापारियों से 9 लाख की कीमत के जेवर और नकदी लूट ली। लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यापारी को तमंची की बड्डी मारी, जिसमें व्यापारी का सिर फट गया। 15 दिन के अंदर दूसरी बार हुई इस घटना से नाराज व्यापारियों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लमसम 10 बजे दुकान के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में चांदपुर के मोड़ के आगे शंकर के समर से बाइक से पीछा किया गया, और फिर एक पल्सर, एक सुपर स्प्लेंडर से 4 आदमी आए। एक पिस्टल लिए हुए थे पल्सर वाले और सुपर स्प्लेंडर वाले, 312 बोर का कट्टा, और मैं भिड़ने की कोशिश किया तो वो मेरे कट्टा मार दिए यहाँ पे माथे पे, और गोली मारने के बार बार धमकी दे रहे थे, और बैग छीन कर फिर वापसी उधरी तरफ से भाग गया। आपके साथ लूट हुई है? 2.5 लाख की मेरे साथ हुई है, कम से कम 7 लाख की लूट इसके साथ। आपके साथ कितनी हुई है? आप अपना बताएं। 7.5 लाख की। आपने किसी को पहचाना? हाँ, हम पहचानते हैं, मगर हम जानते नहीं वो कौन है, लेकिन शकल से सबको हम पहचानते हैं। शकल पहचानते हैं, क्योंकि हम उनका गमछा पकड़ के खींच लिए थे। चेहरा क्या बंद कर रखे थे क्या? हाँ, वो मफलर से बांधे हुए थे, पूरा चेहरा बांधे हुए। चेहरा देखे? हाँ, चेहरा देखे, गाड़ी के नंबर भी नोट किए हैं। गाड़ी नंबर बताइए। UP 71-2455 है, Y2455, सुपर स्प्लेंडर काली कलर की है। पल्सर? पल्सर में नंबर नहीं था, ब्लैंक थी दोनों गाड़ी ब्लैक थी। थाना सुल्तानपुर घोष में एक सराफा खोलने जा रहे थे दुकान, तो उनके साथ 10:30 बजे के करीब, जैसा कि उनके द्वारा कहा गया, 4 लड़के थे 2 बाइक पर, और उनके द्वारा जो है लूटा गया। उनके पास जो बैग था वो बैग छीन करके भाग गए हैं। प्रथम दृष्टा जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने 1 किलो चांदी और 50 ग्राम सोने की बात बताई थी,
लेकिन तहरीर में 9 लाख का लिखा गया है, तो उस चीज़ को वेरीफाई कर लिया जाएगा कि उनके सारी चीज़ें कितने का गया है। लेकिन जो घटना हुई है उसके संबंध में ये भी चीज़ है कि पहले भी इनके द्वारा एक लूट की बात बताई गई थी, तो एक और भी इसमें एंगल है कि कहीं कोई रंजिश की बात तो नहीं है कि कोई बात इस तरह की है। मैं सारी बिंदुओं पर हम विवेचना करेंगे और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है लूट का और सारी बिंदुओं पर हम तहकीकात कर रहे हैं। फतेहपुर जिले के ललौली थाने क्षेत्र स्थित बहुआ कस्बे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और सेंट्रो कार की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठता देख ग्रामीणों ने कार में फंसे 4 घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फतेहपुर से बांदा के लिए जा रहे थे जी, चार लोग तो टूल टैक्स होता है की रेंज से आके कौवा पहुँचने से हमारी शादी है साइड से ट्रैक्टर वाला बहुत तेज जा रहा था। मैंने सेट टर्न किया राइट साइड, उसने भी राइट साइड टर्न करना बहुत तेज स्पीड में, तो गाड़ी में आग लग गई थी। हाँ, तो कैसे फिर गाड़ी में निकले बाहर? दरवाज़ा तोड़ के निकलना पड़ा लोगों को। ये बंदा हमारा बहुत, उसका पैर एकदम इंजर्ड हो गया है। कितने लोग घायल हुए हैं? अपने चार लोग। मथुरा के राय थाना क्षेत्र स्थित खजूरी गांव में दर्जनों गौवंशों को अज्ञात लोग ट्रक में भरकर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ लोगों का मानना है कि ये गौवंश वध के लिए ले जाए जा रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया होगा, इसलिए किसान उन्हें छोड़कर चले गए। वहीं पुलिस भी असमंजस में लग रही है। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को और एक 3 वर्षीय मासूम को रौंद दिया। हादसे में 3 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। दोनों घायल महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। चंदौली में योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभी छुट्टा पशुओं को अस्थायी गौशाला बनाकर उसमें रहने और खाने का इंतजाम करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए थे, जिन्हें दरकिनार किया जा रहा है। पूरा मामला चंदौली के चकिया का है, जहां सड़कों और खेतों से पकड़े गए छुट्टा पशुओं को पालिका कर्मचारियों और पंचायत कर्मचारियों ने अस्थायी गौशाला बनाकर शरण तो दे दी, लेकिन उनके खाने के नाम पर सूखे पुआल परोसे जा रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते गौशालाओं में पशुओं की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है, जिससे अब तक 3 पशुओं की मौत हो चुकी है। गुरुवार से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सुल्तानपुर में जब परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया तो व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। जिले में कुल 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 21 केंद्र संवेदनशील हैं, लेकिन यहां खुले तौर पर सुरक्षा कर्मी नदारद रहे। इस मामले पर जब ASP से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आज कौन सा विषय का पेपर है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र स्थित माया फार्म हाउस में हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष आशु ठाकुर और इंदर पंडित ने शादी समारोह के दौरान जमकर हार्श फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, जहां बच्चे और महिलाएं भी खड़े हैं। सवाल उठता है कि अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।